आयशा, आज मैं आपने साथ अपनी बहुत फेवरेट क्लाइंट को लेके आई हूँ और इनकी पिक्चर्स आपने मेरे साथ देखी होंगी फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन मैंने कहा कि इनका जो सफ़र है उसकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करूँ। इनका नाम मैविश है और डैन बॉक्स के सफ़र में ये मेरे साथ बहुत अरसे से हैं। ये एक ज़बरदस्त प्रोफेशन से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये अपनी स्टोरी जो शेयर करेंगी वो खुद शेयर करेंगी। और प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं महविश और बीइंग नाथवा में एज अ प्रोफेशन, मतलब मेरा जो है वो नाथवानी है और मैं इस प्रोफेशन में अराउंड 10 to 12 ईयर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा डॉक्टर आयशा से जो कांटेक्ट हुआ वो आफ्टर मतलब एक बहुत इंसिडेंट के बाद हुआ कि मेरी हेल्थ इश्यूज आ गए थे बहुत ज़्यादा, कि आई वाज नॉट एबल टू सिट ऑन द फ्लोर, मतलब ये सिचुएशन हो गई थी, मैंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया था। देन मेरी किसी के कंसर्न से आपसे मुलाकात हुई और उसके बाद मैं तो हमेशा यही कहती रही हूँ कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि वो वक्त वो मुलाकात। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अंदर इतना पॉजिटिव चेंज जो लेकर आई हूँ मैं वो नहीं, 12 हफ्ते में 18 किलो। तो हाँ, हमारे तो ऑडियंस जानना चाहेंगे कि डैन बॉक्स पैकेज आपने लिया और नाथ खान आप हैं, इसके वीडियो क्लिप्स इस वीडियो में भी शेयर होंगे, आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन हेल्थ इश्यूज के साथ आप आई, इस प्रोफेशन में क्या चीज है जो आपको खींच के हमारे पास लाई? बेसिकली देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो मेरा फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है और मेरी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जितनी मैं गुड लुकिंग होंगी, जितनी फिट होंगी, उतना ही जो है मेरे प्रोफेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो रहा था मेरे वेट की वजह से। तो मैंने जब ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब अपने आप को इतना ग्रूम कर लेना है कि मैं अपने प्रोफेशन में आगे से आगे बढ़ती रहूँ, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया और 12 week 18 kg मेरे लिए भी खुद एक काइंड ऑफ मिरेकल था कि मैं खुद भी हैरान थी कि मैंने इतनी कम अरसे में इतना बड़ी अचीवमेंट की। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैं पुरानी अपनी पिक्चर्स देखती हूँ, अपनी ड्रेसेस देखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं? फैमिली, हाँ बिल्कुल, बच्चे मेरे, मेरे हस्बैंड और फैमिली बहुत ज्यादा कि भाई इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, कि आपने इतना एक स्टार्ट कहाँ से लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पे आके रुकी हूँ अभी, लेकिन मेरी ये जर्नी कंटिन्यू है, मुझे एक टारगेट है जिसको अचीव करना। नहीं इंशाल्लाह, वो तो जाहिर है जब बड़ा टारगेट होता है, और आपको पता है कि मेरी डाइट्स में मैं काफी कुछ खाने पीने को दे रही होती हूँ, मैं क्रैश प्लान्स पे नहीं जाती, तो आपका जाहिर है ब्रेकफास्ट भी मैं देती हूँ, मिड मॉर्निंग देती हूँ, लंच देती हूँ, इवनिंग देती हूँ, डिनर देती हूँ। आप कुछ अपना डाइट प्लान शेयर करेंगी हमारे ऑडियंस के साथ? मेरा डाइट प्लान में सब चीजें थी, प्रोटीन डाइट भी थी और हर चीज मैंने खाई है, इवन के कभी कभी चीट मील भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं आपको बता देती थी कि भाई मैंने चीट मील किया, आपके मैसेज आते थे। लेकिन ये है कि मेरी डाइट में कबाब्स भी खाए हैं, मैंने सैंडविचेस भी लिए हैं और कभी ये था कि रोटी भी ले लेती थी, हर चीज खाई है, लेकिन बस मोटिवेशनल प्रोग्राम था और आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती रही और जो भी मेरे विटामिन्स थे और जो प्रोटीन्स शेक्स वगैरह थे, अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं वीक फील कर रही हूँ तो मैंने प्रोटीन शेक्स लिए हैं और जो आपकी तरफ से डैन, जो हमारा डैन प्रोटीन है, हाँ बिल्कुल, ये आप इस्तेमाल करती थी जब मुझे कभी कभी, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर हुआ कि मैंने कभी, मैं यही चीज, ये पॉइंट रेस करूंगी यहाँ पे कि एस डाइट और सब चीजों के बावजूद भी और मेरा वर्किंग स्केड्यूल इतना टफ है कि
कि मेरा आधा दिन घर से बाहर गुजरता है, उसके बाद भी मुझे बहुत रेयर कभी फील होता था कि मैं वीक हो रही हूँ या कि मेरी डाइट में कुछ चेंजेस आए हैं. लेकिन ये है कि जब भी मुझे ऐसा हुआ तो मैंने प्रोटीन शेक लिया. प्रोटीन शेक आपने लिया, उससे बहुत बेहतर. विटामिंस भी, विटामिंस भी कंटिन्यूअस, मतलब वही डेली बेसिस पे हर चीज जो प्रोग्राम में थी, जो गाइडेंस मिलती रही, मैंने उसको कंटिन्यू किया और फॉलो किया. बेसिकली 5 मील्स आपने लिए हैं. बिल्कुल 5 मील, मिड मील, बिल्कुल मिड मील भी लिया है, डिनर भी, लंच भी और इवनिंग भी. इवन आप इवनिंग में भी, क्योंकि मैं तो 5 मील्स देती हूँ, मैं तो इस बात पे बहुत, जबकि मैं आपसे कह देती थी कि मैं फुल फील कर रही हूँ, लेकिन आपका ये होता था नहीं, आप अपने जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करें. हाँ, कभी कभी मैं आपको मैसेज करती थी कि मेरे लिए इनफ है, बस इतना भी लिख रही है कि. लेकिन ये कि मुझे प्लान जरूर चेंज करने होते हैं. मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मेरे लोग 12 हफ्ते का प्लान लेते हैं या 16 हफ्ते का मेरा पैकेज लेते हैं, तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि प्लीज अपना वजन बताया करो और अपना डाइट प्लान चेंज करवाया. बिल्कुल वीकली बेसिस, क्योंकि वरना कैसे आपका मुझे पता चलेगा कि आप मेरे से रबते में है, लेकिन आपका मैसेज आता था कि अब मेरा इतना कम हो गया और अब मेरा डाइट प्लान चेंज कर दें. तो कभी ऐसा भी होता था कि मुझे अगर कुछ चीजें ऑल्टरनेट करनी है या चेंजेस करनी है तो मैं आपको बता देती थी कि हाँ ये मुझे पसंद नहीं है खाने में, इसकी जगह मैं क्या ले सकती हूँ, तो वो भी हो जाता. तो आपको जब आपका दिल भर जाता था तो आपका किस चीज से भरता था? कबाब से भर जाता था? यूजुअली मैं सूप लवर नहीं हूँ. अच्छा. तो मेरा सूप से थोड़ा सा होता था और कभी कभी क्रेविंग होती थी कि मैं चावल ले लूँ थोड़े, तो वो होता था कि आप मुझे बता देती कुछ स्पून ये है क्या, हाँ आप टेक कर सकती हैं, तो बैलेंस हो जाती थी, बैलेंस डाइट बेसिकली. ठीक है, तो अब 12 वीक्स का पैकेज खत्म करने के बाद अब आप चाहेंगी कि अब आप इसको रिन्यू करवा के मजीद 12 वीक्स का पैकेज लेना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक टारगेट अचीव करना, एक चीज होती है, मैंने अपने अंदर फील किया कि हाँ मैं 18 केजी लूज कर सकती हूँ, तो अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. मुझे देख के बहुत सारे लोगों में इस चीज का कॉन्फिडेंस हुआ है, क्योंकि जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन थी कि देखा है और उसके बाद उनके अंदर मुझे देख के बहुत मोटिवेशन आई. पहुँची मैं आज तक अर्श पर, मुस्तफा जब आपसे कहती हूँ, आपका तो माशाल्लाह प्रोफेशन है, आप वर्किंग है मेरी तरह और बहुत सारी औरतों की तरह, आपने भी कहा कि आप अच्छा लगना चाहती हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा हर औरत को कह रही होती हूँ कि अच्छा लगने के लिए वजन कम ना करो, हेल्थ इश्यूज के लिए करो, अपने हॉर्मोन्स ठीक करो, बोन प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन, तो आपको उन चीजों में बेहतरी लगी कि आपने हल्कापन महसूस किया, आपको अच्छा लगा कि आपके हेल्थ इश्यूज, आपके हॉर्मोन्स ठीक हुए, आपके ब्लड टेस्ट ठीक हुए, ये सब चीजें? सबसे मेन चीज ये थी कि मैं वॉक नहीं कर पाती थी, मुझे 15 मिनट्स की वॉक के बाद भी मेरी कंडीशन ये होती थी आई इवन कांट टेक ए स्टेप, सिंगल स्टेप. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 मिनट्स की वॉक के बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की एक्सरसाइज भी करती हूँ, साथ स्ट्रेचिंग वगैरह सब चीजें करती हूँ, और मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं कहीं पे भी डाउन हो रही हूँ या मेरी हिम्मत टूट रही है. नहीं, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि यू कैन नॉट, मतलब आप नीचे बिल्कुल नहीं बैठ सकती हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो दिन था मैंने डिसाइड किया था मैं अपना लाइफ स्टाइल तो नहीं चेंज करूंगी, मैं अपने मतलब हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो भी स्टेप कर सकती हूँ वो करूँगी. तो
मेरी आपसे मुलाकात हुई फर्दर देन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हूँ कि मैं रनिंग भी कर सकती हूँ जाके वॉक के साथ साथ। अच्छा वसीला तो अल्लाह ताला बनाता है लोगों को, ये तो अल्लाह की जात होती है कि, लेकिन ये कि मेरी जो आपके साथ पुरानी पिक्चर्स हैं वो तो फेसबुक पे और हर जगह है, लेकिन आज तो मुझे आप खुद बहुत खूबसूरत और बहुत यंग और हसीन लग रहे हैं। बहुत बहुत अहम बात ये होती है कि आप खुद अंदर से ग्लो करते हैं जो कि आपके फेस पे आते हैं। जब आप अंदर से बेहतर महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो आपकी हर फेस पे हर चीज महसूस होने लगती है। आप मुझे कह रही थी, मैंने ये चीज बोली कि पॉजिटिविटी जब आ जाती है और मोटिवेशन आ जाती है बंदे में, तो हर तरीके से कॉन्फिडेंट रहता है। ये बात तो है। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, बहुत जिंदगी दे, और बच्चों के सर पे आपको सलामत रखे जिंदगी और सेहत के साथ, बल्कि आपके काम में आपको बहुत तरक्की मिले और जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपके लिए बहुत तरक्की हो। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे ऑडियंस और हमारे बाकी के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए इतना अच्छा मोटिवेशनल सारा ये टॉपिक हमें बताया, बल्कि और लोगों के लिए ये बेहतरी की, क्योंकि बहुत सारी औरतें हमारे पास आने में आते हुए घबराती भी हैं, हिचकिचाती भी हैं कि किस तरीके से हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें। उनको घबराहट हो रही होती है, वो समझ रही होती है हम डाइट कर ही नहीं सकते, हम वॉक कर ही नहीं सकते, और ग्रेजुअली उनका वजन बढ़ता ही चला जाता है, और उनको एक चाहिए होता है बंदा जो कि उनको गाइड कर सके। डाइट करना इतना मुश्किल नहीं होता, डाइट्स को चेंज करना चाहिए, आपको एक डॉक्टर की एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, ब्लड टेस्ट भी आपको कराने चाहिए, और ये एक वक्त का एक स्टेप है। आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए प्लीज़ थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। Thank you so much, madam, and it's so nice for you to be here. And inshallah, it will be very helpful for you all. Thank you so much, and bye bye.